I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. हेलो रोहित। बोलो विकी। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? Don't forget तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। To hell with you and your contract. तुम्हारा पैसा जो है इंटरेस्ट के साथ लौटा दूँ। I can't play with this girl's life. काश तुमने यहाँ के बजाय यहाँ मारा होता। एक बात कहूँ? This was the best day of my life too. अरे लड़की खुद सामने से लिफ्ट दे रही है और तू है कि मना कर रहा है। यार तेरा टेस्ट को चलक तो नहीं है ना? नहीं है तो हम दूर हो जाते। बकवास बंद कर। 5 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है। तो तू कहाँ उसका कन्यादान करने वाला है? इतना टेंशन क्यों ले रहा यार? और अगर छोड़ना ही है तो कम से कम उसे सुहागरात की थोड़ी प्रैक्टिस तो करा दे यार। साले सोफिया के बारे में दोबारा ऐसी बात की ना तो। रिलैक्स यार, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। विकी, क्या तुझे से प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे सोफिया को तकलीफ पहुंचे। इनफैक्ट आज के बाद मैं उसे मिलूंगा भी नहीं। क्या लगता है? याराना लगता है। इसकी लव स्टोरी का हैप्पी एंड लाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मेरे फोन की तो रिंग बज नहीं रही। किसे फोन लगा रही थी? वो अपनी फ्रेंड रिश्ता को। मिसेस गोम्स, आज लंच हम यहीं करेंगे। विद प्लेजर सर। ब्रिंग टू ग्लासेस प्लीज। श्योर। sure.
मेरे डैडी भी मगमी वाइन पीते थे। अच्छा, मेरे डैडी डायरेक्ट बॉटल से ही पीते थे। वाइन और होट के बीच कुछ और है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। चेयर्स। वाइन ग्लासेस हनी, हम लोग वाइन पी रहे हैं, चाय या कॉफी नहीं। करण एक बात बताओ, मेरी आंखों का कलर क्या है? ब्लैक या डार्क ब्राउन? क्या हुआ, तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। तो फिर क्या सोचा तूने? समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। एक तरफ करण है जो मुझे बहुत चाहता है, और दूसरी तरफ विकी है जिसके साथ मुझे अपनापन महसूस होता है। करण मुझे खुश रखता है, लेकिन मैं विकी के साथ खुश रहती हूँ। इस बात का हल अगर दिमाग से सोचेगी तो उलझने और भी बढ़ेंगी। ये दिल की बात है, वही करना जो तेरा दिल कहे। Hey, cheer up! It's not the end of the world, यार। चल, घर चलकर आराम से बातें करते हैं। फिर कभी आऊंगी। आज तो मुझे करण के साथ बीच फेस्टिवल जाना है। सोफिया। क्या है सोफिया, तीन दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ ना, तुम फोन उठाते हो ना करते हो, और तुम यहाँ पर हो। अरे प्रेजेंट खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था मैं। तुम्हारी शादी होने वाली है ना? तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पता है, मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि लड़कियों के साथ ऐसा मजाक करने की मुझे बहुत बुरी आदत है। तो उस दिन तुम्हारे घर हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सब मजाक था? सोफिया, हेलो, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। नाउ बी सीरियस, कोई सुन लेगा तो कहेगा कि लड़की चालू है। हाँ, कभी मूड हुआ तो हम साथ में बैठकर वाइन पी सकते हैं। क्या है ना, एक बार शादी हो जाए तो समझ लो सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद हम जब चाहे मिल सकते हैं। आई डोंट माइंड। अरे यार, तुम लड़कियां हमेशा इतनी छोटी छोटी बातों में क्यों गुस्सा करती हो? कम ऑन स्वीटहार्ट, अब सबके सामने रोकर सीन क्रिएट मत करना। सोफिया, क्या हुआ, किस बात से नाराज हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई? गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। काम डाउन सोफिया, मुझे बताओ क्या बात है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई। क्या? उस रोज जब मैं रात को लेट आई थी तब मैं विकी के साथ थी। कौन विकी? जिसके साथ मैंने पार्टी में डांस किया था। मैं उसके साथ डेट पर भी गई थी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट के बावजूद। पता नहीं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। तुमने कोई धोखा नहीं दिया। धोखा तो तब होता अगर तुम मुझसे ये बात छुपाती। गलती तो हर किसी से होती है। तुम्हारी गलती को गुनाह समझने जितना ना समझ में नहीं हूं। आई लव यू। अगर तुम्हें और वक्त चाहिए सोचने का तो मैं शादी पोस्टपोन कर देता हूं। और अगर तुम्हारे दिल में उस लड़के के लिए अब भी प्यार है, बिलीव मी, मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम इतने अच्छे क्यों? क्यों तुम्हें औरों की तरह गुस्सा नहीं आता? माया इज अंडरस्टैंड। Thank you.
welcome, dude. Sophia, my darling. Oh, you look gorgeous. Thank you. You are looking beautiful. Thank you. It's really sweet. Thank you. चले वो अमीर है ना बहुत अमीर बहुत अमीर ही इज अ मल्टीमिलियनेयर ही इज अ मल्टीमिलियनेयर तो फिर तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है अपने खर्चे के लिए मैं खुद काम करना पसंद करती हूं यार राइट तुम्हें क्या लग रहा है मैं करण से उसके पैसे के लिए शादी कर रही हूं फिर किस लिए कर रही हो क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती फिर यहाँ मेरे साथ क्या कर रही हो Mr. Karan Oberoi, do you accept Sophia Da Costa as your lawful wedded wife? I do. And you, Sophia Da Costa, do you accept Mr. Karan Oberoi as your lawful wedded husband? I repeat, Miss Sophia Da Costa, do you accept Mr. Karan Oberoi as your lawful wedded husband? आंखों का कलर क्या है पब में जब तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी आंखों का रंग कॉफी ब्राउन था फिर जब दूसरी बार देखा बर्गर किंग में तो डार्क ब्राउन लग रही थी पर जब तुम हंसती हो ना तो डार्क ब्राउन में एक सिल्वर शेड आ जाता है और बाप रे बाप जब तुम गुस्सा करती हो तो ट्रैफिक सिग्नल जैसा लाल हो जाती है For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.